हेलो दोस्तों, मेरा नाम आईपी है और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम आईपी क्लास। जैसा कि आप सबको पता है, हमने स्टार्ट की थी कंप्लीट फिजिक्स की सीरीज। उसमें हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। जिसने पीछे की वीडियोज नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से वो वीडियोज देख भी सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन मिरर की तरफ या उससे दूर भाग रहा है कुछ वेलोसिटी से, तो उसका जो इमेज होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हमें उसे कैसे कैलकुलेट करना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है आपके क्वेश्चन में। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझने। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले केस से, केस नंबर वन। वेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मिरर और मिरर जो है वो एट रेस्ट हो। एक प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर की बात हो रही है, एक प्लेन मिरर एक रेस्ट पे है और एक ऑब्जेक्ट है वो उस मिरर की तरफ या उससे दूर भाग रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आपको पता हो कि प्लेन मिरर में जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, यानी ऑब्जेक्ट हमने मिरर से अगर यू डिस्टेंस पे रखा तो आपको पता है उसकी जो इमेज है वो भी उतने ही डिस्टेंस पे बनती है, लेकिन पीछे की साइड पे बनती है। यानी जो डिस्टेंस u है वो v के इक्वल ही होता है। अगर आप अगर साइन कन्वेंशन यूज करें, लेफ्ट हैंड साइड वाले को नेगेटिव लें तो उधर वाले को पॉजिटिव ले सकते हैं, राइट की तरफ जो है जो भी इस तरफ की तरफ लेंगे उसको पॉजिटिव ले सकते हैं, जो लेफ्ट से राइट है उसको पॉजिटिव और जो राइट से लेफ्ट है उसको नेगेटिव ले सकते हैं। इट मीन माइनस ऑफ यू इज इक्वल टू वी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी। लेकिन हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, हमने इस डिस्टेंस को u या v को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो du by dt is equals to minus dv by dt। अब du by dt mean कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी ये है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की। इसी तरह से dv by dt mean to say इमेज का जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है, इट मीन ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है। तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बन गया कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यूज तो इक्वल है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट द डायरेक्शन कि अगर ऑब्जेक्ट है वो मिरर के टुवर्ड इस तरफ जा रहा है लेफ्ट से राइट, तो जो उसका जो इमेज होगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। ये नेगेटिव साइन यही शो करता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है, रिलेटिव स्पीड या जो वेलोसिटी है इमेज की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे की तरफ भाग रहा है उसकी इमेज उसकी तरफ आएगी, तो इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में इमेज की जो स्पीड रहेगी, वेलोसिटी रहेगी, वो रहेगी 2 × वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चलते हैं इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर वन, मान लीजिए एक प्लेन मिरर है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो 2 m/s की स्पीड से उस मिरर की तरफ जा रहा है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो उसका इमेज भी हमें पता है उतनी ही स्पीड से पीछे की तरफ आएगा। अभी हमने बात की, अब एक चीज और साइन कन्वेंशन की, अगर लेफ्ट से राइट कोई चीज जाती है हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है 2 m/s, पॉजिटिव है क्योंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ है। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या रहेगा, वो नेगेटिव आएगी। कितना नेगेटिव आएगी, इतना ही, क्योंकि वैल्यू दोनों का इक्वल रहता है लेकिन साइन अपोजिट रहता है। क्यों, क्योंकि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। इसी तरह से अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस अपनी इमेज को देखता है तो वेलोसिटी जो इमेज की होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना होगा, वो डबल होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के, या वेलोसिटी ऑफ इमेज के भी बोल सकते हो। तो 2 × 2 इज 4 m/s। और देखिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज किया है बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है उसको इमेज उसकी तरफ आती अपीयर होगी, राइट से लेफ्ट आती अपीयर होगी, इसलिए हमने ये नेगेटिव कंसीडर किया। अब बात करते हैं केस नंबर दो, जो कि इन सब केसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है मेरे ख्याल में। इस वीडियो के अंदर ये जो पेज है, ये जो स्लाइड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, इसको जरा ध्यान देना। क्या है हमारी ये जो सेकंड केस, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या मीनिंग है कि जो पीछे वाले केस के अंदर हमने देखा वो वेलोसिटीज थी जो हमने कैलकुलेट की थी विद रिस्पेक्ट टू मिरर्स थी, लेकिन अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें तो उस केस में क्या रहेगा। देखिए मान लीजिए फिर से वो एक प्लेन मिरर आप देख सकते हैं, प्लेन मिरर, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर की तरफ जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है। इसी तरह से vi वेलोसिटी ऑफ इमेज है। अब ये दोनों जो
वेलोसिटीज रहती थी ये मिरर के कंपैरिजन में थी, बहुत विद रिस्पेक्ट टू मिरर हुआ करती थी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले भी प्रूफ किया था कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट था वो वेलोसिटी ऑफ इमेज की इक्वल होता था, बस नेगेटिव साइन होता था। अब देखिए इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल कर दिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर था वो, तो उसको क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। आपने 11th क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो शायद आपने पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हुआ करता था किसके इक्वल था, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये उसका फॉर्मूला रहता था। अब यहाँ देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर को क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो हमने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। यहाँ से इस Vm को इस तरफ ले जाएं तो ये आ गया माइनस का डबल ऑफ Vm इज इक्वल्स टू माइनस का Vi माइनस का V नोट। तो यहाँ से माइनस ऑफ 2 Vm इज इक्वल्स टू आ गया माइनस, यहाँ कॉमन लिया Vi प्लस V नोट, यहाँ से नेगेटिव साइन कैंसिल कर दें तो वेलोसिटी ऑफ मिरर जो बना वो बना वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपने नोट करना है कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट इमेज या मिरर तीनों में से किसी मोशन की बात की जाए, ठीक है, तो इस केस में ये वाला रिलेशन यूज करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय 2। यहाँ पर फिर से समझे क्या है, Vm है वेलोसिटी ऑफ मिरर किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जनरली आपको ग्राउंड के या अर्थ के रिस्पेक्ट में ही चीजें गिवन होती है। Vi है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, V नोट है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आइए चलते हैं इस पे भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। कहा गया आपको एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टुवर्ड राइट व्हाइल द मिरर मूव्स विद 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द लेफ्ट। इस सिचुएशन में सिर्फ ऑब्जेक्ट ही मूव नहीं कर रहा, इवन मिरर भी मूव कर रहा है। जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ साथ मिरर भी मूव कर रहा है, आपको इमेज का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड की तरफ मूव कर रहा है, वो भी राइट साइड की तरफ, राइट साइड में जा रहा है, लेकिन जो मिरर है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। यहाँ पर आपको गिवन क्या है, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज गिवन, आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, आपको यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है, राइट साइड में है तो इसको पॉजिटिव लिया गया। इस तरह से वेलोसिटी ऑफ मिरर भी आपको गिवन है 1 मीटर पर सेकंड, बट जो मिरर है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है इसलिए इसको नेगेटिव लिया। हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो अभी हमने कैलकुलेट किया, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई 2। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में गया तो 2 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज का अगर फॉर्मूला ड्राइव करें तो यार 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ मिरर जो कि है -1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है 10। सॉल्व करने से आपके पास आएगा -2 माइनस 10 इज इक्वल टू -12 मीटर पर सेकेंड। इट मीन जो इमेज है वो विद रिस्पेक्ट टू, देखना ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 12 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, नेगेटिव साइन का मीन टू से कि वो आपका राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है। तो वीआई आपके पास आया माइनस का 12 मीटर पर सेकंड। एक एग्जांपल और देखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड अ प्लेन मिरर, एक ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरफ 5 मीटर की स्पीड से मूव कर रहा है और मिरर जो है वो भी राइट साइड में मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आपको वेलोसिटी निकालना है इमेज का, इमेज किस वेलोसिटी से मूव करेगा और किस तरफ मूव करेगा। देखते हैं, आपको यहाँ पर गिवन है वेलोसिटी किसका, ऑब्जेक्ट का गिवन है। देखिए राइट हैंड साइड में तो इसको आपको पता है प्लस का ही लेना है 5 मीटर पर सेकेंड, साथ साथ आपको गिवन है मिरर की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मिरर वो भी राइट साइड में जा रहा है तो इसको भी अगेन प्लस का 2 यूज करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। और हमें एक फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी ऑफ मिरर जो होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय 2। यहां से इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज को, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज सिंपली 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। 2 टाइम वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना गिवन आपको, प्लस का 2, माइनस वेलोसिटी ऑफ आपको ऑब्जेक्ट गिवन है 5, तो ये आया 4 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड। इट मीन जो
इमेज है वो इधर मूव करेगी 1 मीटर पर सेकंड की तरफ, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि उसका जो डायरेक्शन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ है। तो अब चलते हैं तीसरे केस पे। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द मिरर, ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर की बजाय उसके पैरेलल मूव करता है, उसी के अलोंग मूव करता है, उस केस में देखिए क्या होगा। अब ये मान लीजिए एक प्लेन मिरर है आपके पास और ये ऑब्जेक्ट है, तो आप देखिए ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे मिरर से होता है उतने डिस्टेंस पे उसका इमेज होता है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसकी इमेज भी तो ऊपर की तरफ मूव करेगी। अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो उसका जो इमेज है वो भी मूव करेगा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कि दोनों का डायरेक्शन भी सेम रहता है और वैल्यू भी सेम रहता है। तो कंक्लूजन क्या है, इस केस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज दोनों बराबर ही होते हैं, डायरेक्शन भी दोनों का सेम होता है और वैल्यू भी सेम रहता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि मिरर अगर मूव करे तो देखिए मिरर जो है हमने यहाँ पर इस साइज का लिया है, अदरवाइज मिरर लार्ज रहता है, अगर मिरर भी मूव करता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ मिरर। इस बात को आपने इंपॉर्टेंट नोट करना है। चलिए करते हैं एक और एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी 3√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल टुवर्ड राइट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। एक ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को जो कि इस तरफ मूव कर रहा है 3√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसका जो हॉरिजेंटल लाइन के साथ एंगल है 45 डिग्री है। हमें ये बताना है कि इसकी इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखें यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करने हैं। देखें ये एंगल 45 डिग्री है, तो हमें पता है कि अगर ओरिजिनल वेक्टर के वेक्टर किसी के साथ एंगल बनाए तो वो वाला कंपोनेंट कोस वाला कंपोनेंट होता है। अगर मैं इसको वी लिखूं तो ये रहेगा वी कोस थीटा मीन टू से 3√2 × cos of 45 डिग्री, और कोस 45 रहता है 1/√2, तो 3√2 × 1/√2 यानी ये जो आएगी वैल्यू आएगी 3, यानी इस तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो है 3। अगेन इस तरफ क्या है v sin थीटा, इट मीन 3√2 sin of 45, sin of 45 भी कितना होता है 1/√2 होता है, तो 3√2 × 1/√2, अगेन रूट टू से रूट टू कैंसिल, 3 ये वाला कंपोनेंट भी आया। इट मीन हमने इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बना दिए, एक कंपोनेंट वो जो अलोंग सॉरी ये वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मिरर के, और ये जो उसके अलोंग या पैरेलल मूव करता है। और दोनों केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोनों केसेस से चेक करते हैं। पहले इस कंपोनेंट से चेक करते हैं, इसको मैंने Vx अगर कहा तो इसकी वजह से चेक करें, तो आप ध्यान दीजिए इस कंपोनेंट की वजह से शायद आपको ऐसा लगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इस तरफ की वेलोसिटी है Vx जो कि है 3, और उसका जो इमेज है आप देखें इस तरफ मूव करेगा। अब परपेंडिकुलर वाला केस हम पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी इमेज की वेलोसिटी भी वही होगी, बस नेगेटिव होगी, तो जो इमेज है उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगी अलोंग एक्स एक्सिस वो रहेगी माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड, यानी इस तरफ जो कंपोनेंट आया वेलोसिटी का कितना आया माइनस का 3 मीटर पर सेकंड का कंपोनेंट आया। और अगर हम ध्यान दें, हमने ये भी पढ़ा कि पैरेलल में वेलोसिटी तो सेम रहती है, यानी इसका पैरेलल कंपोनेंट अगर 3 है तो इसका भी कंपोनेंट कितना रहेगा 3 कंपोनेंट रहेगा, यानी जो आपके पास फाइनल इमेज है उसकी इस तरफ की वेलोसिटी माइनस का 3 मीटर पर सेकंड है और ऊपर का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। माइनस जस्ट डायरेक्शन के लिए और कुछ नहीं है। अगर इसको मैं एग्जैक्ट लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो फाइनल वेलोसिटी आई किसका इमेज का वो आई माइनस का 3i कैप प्लस का 3j कैप। इससे समझ सकते हैं, देखिए माइनस का 3i कैप का मतलब ये लेफ्ट की तरफ है, 3 इसका मैग्नीट्यूड आपने देखा ही, प्लस 3j कैप क्योंकि ये अलोंग जे एक्सिस ही है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। इस बार आपको दो सिचुएशन दे दी कि ऑब्जेक्ट है वो 5√2 वेलोसिटी 45 डिग्री के एंगल से मूव कर रहा है, और इस बार मिरर भी मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, सबसे पहले आपको इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करने हैं, तो ये वाला कंपोनेंट कोस वाला कंपोनेंट होगा, यानी 5√2 cos of 45, cos 45 1/√2 होता है, तो रूट टू इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ये 5 वैल्यू आएगी। इसी तरह से ये कंपोनेंट जो रहेगा वो रहेगा वी कोस साइन थीटा, ये भी आप कैलकुलेट करो तो 5 ही आएगा। हमने इसको दो पार्ट्स में रिजोल्व कर लिया, यानी ये वेलोसिटी का कंपोनेंट भी 5 है और ये कंपोनेंट भी 5 है। देखें ये वाला कंपोनेंट है परपेंडिकुलर वाला, इस केस में देखें ये क्या चीज है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ अलोंग एक्स एक्सिस के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए सॉल्व कर रहा हूँ इसको,
हॉरिजॉन्टल के लिए सॉल्व कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो आपको जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्स कंपोनेंट पता है कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। आप देखिए मिरर की जो स्पीड है आपको वो भी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये आप देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो इसको मैंने नेगेटिव लिया। हमें निकालना है जो इमेज है, यहाँ पर जो इमेज बनेगी उसकी स्पीड बतानी है अलोंग एक्स एक्सिस, इमेज की स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ मिरर जो रहता था वो रहता था वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई टू, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या रहेगा, मैं सिंपली लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ एम माइनस वी नॉट। 2 टाइम वेलोसिटी ऑफ एम, एम आपके पास गिवन है माइनस का 2, माइनस ऑफ 5, ये कितना आएगा माइनस का 4, माइनस का 5, इट्स माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। यानी आपके पास इमेज की जो वेलोसिटी आई वो इस तरफ आई 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस तरफ आई। अच्छा बात करते हैं इस कंपोनेंट की, दूसरे कंपोनेंट की, अलोंग y एक्सिस की बात करें तो आपको पता है कि पैरेलल वाले में वेलोसिटी सेम रहती है, अगर ये 5 है तो ये भी सिंपली 5 रहेगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y कंपोनेंट वही होती है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y कंपोनेंट, तो दोनों की वैल्यू 5 ही रहेगी। इट मीन जो टोटल वेलोसिटी हमारे पास आई किसकी, इमेज की, इमेज की वो रहेगी माइनस का 9 i कैप क्योंकि इस तरफ है, प्लस का 5 j कैप मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।